बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरी से होंगे और अपने घरों में खुशबाश होंगे, और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ नॉर्मल रूटीन दोपहर से लेकर रात तक की। यहाँ 11:30 का टाइम है, मैं दोपहर के लिए खाना तैयार कर रही हूँ। आज कीमा फ्राई किया है और बच्चों के लिए टिक्का बना रही हूँ। आशा उमर की फरमाइश है कि आज टिक्का बनाइए, इन्हीं की पसंद के खाने बनते हैं घर में, और मेरे हस्बैंड भी इनकी पसंद के खाने खा लेते हैं और मैं भी खा लेती हूँ। अगर इनके पसंद के खाने तैयार ना हो तो ये खाना बिल्कुल नहीं खाते, इसी वजह से इनकी पसंद का ख़ास ख्याल रखना पड़ता है। यहाँ टिक्का तैयार हो गया था, उम्र को बहुत पसंद आया था, आशा भी बहुत तारीफ़ कर रही थी कि मम्मा टिक्का बहुत मज़े का बना है विद पराठा। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे मेरी बहुत तारीफ़ करते हैं कि मम्मा आप खाना बहुत अच्छा बनाती हैं। दोपहर के खाने के बाद हम नमाज़ की तैयारी करते हैं। दोपहर की नमाज़ के बाद मैं लस्सी तैयार करना शुरू कर देती हूँ। गर्मियों में लस्सी हम लोग बहुत शौक़ से पीते हैं, बच्चे भी माशाल्लाह से बहुत शौक़ से पीते हैं। मैं ऐसी ही लस्सी बनाती हूँ गर्मियों में, आप लोग भी लस्सी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें क्योंकि लस्सी का बहुत फ़ायदे हैं, लस्सी के गर्मियों में पीने के। और वर्दा के बाबा को भी लस्सी बहुत पसंद है, लस्सी हो गई, मैंगो जूस, शिकंजीस वगैरह, वो गर्मियों में कहते हैं कि लादे मेले तैयार किया करो। आज आशा लोगों की मदरसे की छुट्टी है, मैं आप लोगों को आशा लोगों से भी मिलवाती हूँ। वर्दा मेरा बाबू जी, अस्सलाम वालेकुम विवाल, हाय। दिन में मैं इनको एक मरतबा खुद नहला धुला के साफ सुथरा कर लेती हूँ, उसके बाद ये लोग खुद ही शावर लेते रहते हैं, रात में भी शावर लेके ही सोते हैं। यहाँ आ जाओ, वर्दा सो जाएगी अभी। ये देखिए वर्दा को, वर्दा क्या कह रही है आशा। वर्दा क्या हुआ, बात करी ना, बोले हाय व्यूअर्स। वर्दा वर्दा ने आज पहली मरतबा शलवार कमीज छोटा सा पहना है, ये देखे। कहाँ जा रही हो वर्दा, आप कहाँ जा रहे हो, आप कहाँ जा रही हो हैं वर्दा, कहाँ जा रही हो आप हैं? भागे भागे पति कहाँ कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही हो वर्दा? वर्दा घूमे जा रही, घूमे जा। वर्दा ना छोटा सा शलवार कमीज पहना हुआ है, ये देखो दिखा रही है अपनी शलवार कमीज को कि आज इसने पहली मरतबा शलवार कमीज पहना हुआ है। वर्दा नीचे करिए अपना, ये बड़ी बात, ये देखिए छोटी सी शलवार कमीज की पहनी हुई है। वर्दा आप कलमा पढ़ के सुनाइए। बाबा अच्छी है, मामा अच्छी है, वर्दा मामा अच्छी है, बाबा अच्छे, बाबा अच्छे, मामा नहीं अच्छी हैं, बाबा अच्छे, कौन अच्छे है, मामा अच्छी है, बाबा बाबा अच्छे। आप ही कहाँ हैं? आशा बैठ जाइए के साथ, बैठ के वर्दा के साथ बैठ के। ये देखे वर्दा बहुत प्यारी, क्यूट क्यूट थी मेरी वर्दा। वर्दा बोली क्यों क्यों।
वरना हमें बहुत हंसाती है वैसे तो, अभी नहीं हंसा रही, बहुत हंसाती है हमें। ये देखे पति कहाँ जा रही है, अब देखें ये भागे भागे पति अब कहाँ जाएगी, ये कहाँ जा रही है, ये भागे भागे पति कहाँ जा रही है। भागे जा रही है पति कहाँ से कहाँ। देखिए अभी वर्धा बस सो जाएगी दूध पी के। हमारी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा, हमारी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वर्धा आशु और उमर की तरफ से अल्लाह हाफिज़, क्योंकि ये ट्यूशन पढ़ने चले जाएंगे। ट्यूशन से जब घर वापस आते हैं तो इन्हें फ्रूट्स खाना पसंद होता है, मैं फ्रूट्स वगैरह मंगवा के रख लेती हूँ, उन्हें अच्छी तरह से वॉश कर लेती हूँ। और आड़ू हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं, लाजमी यूज़ किया कीजिए, इससे स्किन भी बहुत अच्छी होती है और डाइट में भी बहुत फ़ायदेमंद। मैंगोज तो फलों का बादशाह है, किसको नहीं पसंद होंगे, सभी को मैंगोज पसंद होंगे। फ्रूट्स मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा फ्रूट पसंद है और बच्चों को भी बहुत ज़्यादा फ्रूट पसंद है। केले में वर्धा के लिए मंगवा के रख लेती हूँ, वर्धा को केले बहुत पसंद हैं। साथ ही साथ मैं बॉयल कर रही हूँ वर्धा के लिए दूध, रात में काम आता है, फीडर में डाल के देना पड़ता है वर्धा को। रात के खाने में हम लोगों ने मंगवा लिए थे अंडे वाले बर्गर। अमूमन गर्मियों में हम लोग खाना बाहर से मंगवा लेते हैं, बच्चे डिमांड करते हैं अपने बाबा से, तो हम लोगों को बाहर से खाना खाना है कुछ भी ले आए हमारे लिए तो वो ले आते हैं, बच्चों की बातों को रद्द नहीं करते बिल्कुल भी। रात के खाने के बाद मैं बर्तन बर्तन धो लेती हूँ, सारे काम वाम ख़त्म कर लेती हूँ। काम ख़त्म करने के बाद मैं इशा की नमाज़ की तैयारी करती हूँ, नमाज़ पढ़ के मैं मंत्र पारा पढ़ती हूँ, मंत्र पारा पढ़ के मैं बहुत मज़ेदार सी अपने लिए चाय बनाती हूँ, आई लव टी। किस किस को चाय पसंद है लाजी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मुझे तो चाय बहुत पसंद है, चाय के बगैर मुझसे काम नहीं होता। गर्मियों में थोड़ा अवॉइड कर लेती हूँ चाय को, और साथ में चाय के लेती हूँ जीरा प्लस बिस्किट लाजमी। अब इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।